एग्रीमनी की खासियत है कि खुद के मन का दुख दूसरों से छुपाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मॉल बिग थिंग्स। आई एम डॉक्टर वाघ और आज का हमारा टॉपिक है बैच फ्लावर रेमेडीज। तो चलो शुरू करते हैं पहली रेमेडी एग्रीमनी से। होम्योपैथिक दवाइयों से मन का इलाज किया जाता है क्योंकि ये मेडिसिन अपने मन पे ज्यादा एक्ट करते हैं। इसका डोज मटेरियल क्वांटिटी में नहीं रहता है और बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैच फ्लावर मेडिसिन हमारे सृष्टि में रहने वाले फूलों से बनाया जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या खासियत है इन बैच फ्लावर रेमेडीज की। और आज की हमारी रेमेडी है एग्रीमनी। इस दवा की रोगी को मानसिक अवस्था में बहुत दुख होता है, लेकिन ये व्यक्ति अपना दुख दूसरों से शेयर नहीं करता, छुपाता है। इस दुख छुपाने से उसका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ने से वो और भी दुखी होता है। और दुखी होने पर वो हमेशा की तरह अपना दुख दूसरों को नहीं बोलता और ये साइकिल चलती ही रहती है। हंसना, खेलना, मजाक करना, उनकी इस बिहेवियर से सामने वाली व्यक्ति को यह लगता है कि यह व्यक्ति को मन की बहुत शांति है, उसको मन का बहुत सुख है, लेकिन असलियत में यह व्यक्ति अपना दुख किसी को बताता भी नहीं है और दिखाता भी नहीं है। अपना दुख छुपाने के इस आदत की वजह से इन लोगों को ट्रीटमेंट करना, इनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। पैसा ही मन की शांति का इलाज है, ऐसी एग्रीमनी की समझ होती है। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मन की शांति नहीं होती। पैसा इस्तेमाल करते समय वो जो खुश दिखते हैं, इसलिए लोगों को उनका दुख समझ में नहीं आता है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद वह यह कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो छोटे बच्चों में घुल मिल जाना, उनके साथ टाइम बिताना और अपना दुख भूलने का प्रयास करते हैं। बीमार होने पर यह व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाती है, तो यह व्यक्ति अपने मित्रों के साथ टाइम गुजारती है। वह ये प्रयास करती है कि मित्रों के साथ रहकर अपना दुख भूल जाए। कभी कभी शराब पीकर वो अपना दर्द भूल जाने का प्रयास करती है। दिन तो काम में निकल जाता है लेकिन रात उनसे कटे कटती नहीं है। तो रात में शराब पीना या नींद की गोली खा के सोना, यह चीजें वो अधिक पसंद करती है लेकिन अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करती। जिस काम में ज्यादा बोलने की जरूरत होती है वह काम एग्रीमनी व्यक्ति को ठीक होने नहीं देता है। अपने ग्राहक अगर ज्यादा वाद विवाद करने वाले हैं, तो यह व्यक्ति उनको अपनी माल बेचना, अपनी चीजें बेचना पसंद नहीं करता। अगर बिजनेस में झगड़ा हो जाए या नुकसान हो जाए तो वो अपने पार्टनर से या किसी से भी झगड़े नहीं करता, बल्कि झगड़ा या अपना लॉस चुपचाप सहन करता है। इस तरह सारी परिस्थितियों में रहकर अपना दुख भूलकर किसी के साथ शेयर न करते हुए, सारी परेशानियां झेलते हुए जो मनुष्य आशावादी होता है उसको एग्रीमनी दिया जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे एग्रीमनी लेने के बाद उस इंसान की जिंदगी में कितने बड़े बदल होते हैं, कितना बड़ा चेंज होता है और उनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कि मुझे भी ऐसी तकलीफ है, तो चलो मैं एग्रीमनी खा लेता हूँ। लेकिन प्लीज ध्यान में रखिए कि ये मेडिसिन कैसी लेनी है, कितनी बार लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, यह आपके लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही सही से आपको गाइड कर सकता है।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से ना ले, बल्कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स टू, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मॉल बिग थिंग्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। बाय बाय।